बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंटेस्टिस फाउंडर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जनरल साइंस एमसीक्यूज का सिलसिला हमने शुरू किया है और क्लास सिक्स जनरल साइंस बुक हल कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में चैप्टर नंबर 8, 7 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चलिए चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स, इस चैप्टर का नाम है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से जो होता है वो पी पोटेंशियल से निकला, ठीक है, पोजीशन पोटेंशियल, और मूविंग जो होता है वो काइनेटिक। तीन नंबर देखिए, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहां भी एनर्जी लगता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। चार नंबर देखिए, फूड पोजेसेस केमिकल एनर्जी, फूड्स में केमिकल एनर्जी होते हैं। और पांच नंबर, साउंड एंड लाइट्स आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड और लाइट जो है ये एनर्जी के हालत हैं। एमसीक्यूज देखिए, इसमें सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ चार एमसीक्यूज है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ये क्वेश्चन पहले भी गुजर चुका है और ये इंतहाई अहम है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दो नंबर देखिए, अ मूविंग कार हैज, अभी आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी, मूविंग कार में काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ऑप्शन ए है। तीन नंबर देखिए, विच वन इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट लाइट साउंड, लैम्प जो है ना, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। चार नंबर, इन अ बैटरी केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी है। तो ये थे दोस्तों आज के वीडियो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।